नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त होने पर युवाओं ने मनाई खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार के फैसले का स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाकर लगातार प्रदेश भर में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे थे। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने छात्रों की मांगों को मानते हुए भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है और 6 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षा कराने का आश्वासन भी दिया। सरकार के इस फैसले में युवाओं में खुशी का माहौल है, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया गया। जी, मेरा नाम विनायक चौधरी है और मैं श्री राम लाइब्रेरी का संचालन कर रहा हूँ। आज बड़ी ही खुशी का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो परीक्षा जिसमें धांधली हुई थी उसे दोबारा कराने का, उन्हें कराने का जो योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है, उसी का सभी छात्र छात्राओं को मिठाई खिला के इनका स्वागत किया गया है दोबारा परीक्षा के लिए। देखिए, कोई भी परीक्षा जो करते हैं छात्र, वो काफ़ी समय से उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है परीक्षा की। हमारे यहाँ 10-10, 12-12 घंटे तक दिन रात एक करके छात्र तैयारी में लगे हुए थे। तो जिस तरीके से लीक हुआ था, ये बहुत ही गलत है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने लीक किया है। तो अब खुशी है, अब खुशी का पल है छात्रों के अंदर। पर हम तो यही सरकार से कहते हैं कि परीक्षा बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष कराई जाए। मयंक बालियान। मयंक जी, आप क्या पूरा मामला है? जी देखिए, ये भर्ती अभी यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, 17-18 तारीख में इसका एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम लीक बताया गया था कि लीक हुआ है। लेकिन उसका सबको, सरकार को पहले ही, मेरे हिसाब से तो पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था, कि क्योंकि सबको स्पष्ट रूप से पता भी था कि पेपर लीक है। लेकिन फिर भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने युवाओं की बात सुनी और इस परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया। जिस तरह से देखिए, हम तो उम्मीद ही करते हैं कि अब की बार जो परीक्षा हो वो निष्पक्ष रूप से हो और उसमें कोई ऐसा घोटाला ना हो।